हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। लेट्स कंटिन्यू पार्ट टू, जिसपे हम आफ्टर ट्वेल्थ जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे पास नोट्स हैं, जो हमने अपने स्टडी में यूज करे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको वाकई में हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए, आज हमारा क्वेश्चन है सिविल प्रोसीजर कोड पर। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, also explain legal disability। बहुत important question है। आपको पता है कि हर एक remedy को लेने का, जब आप relief लेने जाते हैं court में, तो आप कब तक case कर सकते हैं ना, कब तक apply कर सकते हैं, उसका एक limited period है और वो होना भी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो इस question में आपको बताया गया। तो सबसे पहले तो limitation act क्या है, उसमें क्या बताया गया, उसके object यहाँ पर discuss करेंगे, फिर legal disability discuss करेंगे, साथ के साथ हम इस question में ये भी discuss करेंगे कब court जो है वो सीओ मोटो से उस पीरियड को एक्सटेंड कर देता है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 और साथ के साथ डिस्कस करेंगे लीगल डिसेबिलिटी को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन है क्या चीज। तो लॉ सेट्स अ टाइम लिमिट राइट, अ टाइम लिमिट विद इन विच अ प्लेंटिफ कैन सीक हिज रेमेडी या रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट लॉ। आफ्टर दिस टाइम लिमिट एनी अपील सूट और एप्लीकेशन कैन नॉट बी मेंटेन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कोई भी केस कितने टाइम पीरियड तक केस के कोर्ट के पास लाया जा सकता है, उसका समय तय किया गया है इस लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर होगा, फिर आप इस लाइन को और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ए एक पर्सन है, 1 जनवरी 2020 को वो बी को लोन देता है, 2 साल के लिए लोन देता है, राइट। 1 जनवरी 2020 को वो लोन देता है बी को। तो ए यहाँ पर लेंडर है यानी उधार देने वाला है, और बी यहाँ पर बोरोअर है यानी जो पैसा उधार ले रहा है। 2 साल का पीरियड है, तो 31 दिसंबर 2021 को बी को ये पैसे चुकाने हैं, यानी ये इसकी ड्यू डेट है, राइट। अब मान लीजिए कि ए जो है वो ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर बी के पास आता है और कहता है कि भाई देखिए 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है आपने इंटरेस्ट वगैरह दिया, अब आप मेरा लोन जो है, जो भी मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं वो मेरे वापस कर दीजिए। बी जो है वो देने से मना कर देता है, बी कहता है मैं नहीं देता, जो करना है कर लो। अब जो ए है, ए यहाँ पर विक्टिम हो गया, राइट, उसके साथ गलत हो गया। अब ये जो ए है यहाँ पर कोर्ट में बी के अगेंस्ट कितने टाइम तक जा सकता है, इसकी एक लिमिट जरूर तय होनी चाहिए, राइट, और वो लिमिट है 3 साल। अभी जो 3 साल की लिमिट है, इसका क्या मतलब है कि अगर ए ने बी के अगेंस्ट केस करना है तो जब ड्यू डेट आई थी यानी 31 दिसंबर 2021, यहां से शुरुआत होंगे 3 साल इसके पास पीरियड है। यानी अगर ये चाहे तो 2022 में कंप्लेन कर सकता है, 2023 में कंप्लेन कर सकता है, 2024 लास्ट पीरियड होगा इसके पास, ये लिमिटेड पीरियड है। अब ये 3 साल निकल जाते हैं और ए को याद आता है वो बी से मुझे उधार लेना था, बी ने मेरे पैसे देने से मना कर दिया। 5 साल बाद उठकर ए जो है वो कोर्ट में चला जाता है, कहता है जी बी से मैंने पैसे लेने हैं, मुझे पैसे दिलवाओ। कोर्ट कहेगा भाई कब आयो, इसका जो लिमिटेड पीरियड है, जो आप लोन लेने के लिए जो टाइम बार डेट है आपका, टाइम बार हो गया, आपने 31 दिसंबर को इसे पैसे लेने थे, आप कोर्ट के पास इस डेट को भी आ सकते थे, इसके बाद भी आ सकते थे, इसके बाद भी आपके पास 3 साल का पीरियड था कि आप आकर कंप्लेन कर सकते थे, बट आप नहीं आए। अब ये जो केस है ये स्टेल केस है, बासी केस है, इसमें फैक्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। तो लिमिटेशन एक्ट ये कहेगा कि अब इस एप्लीकेशन को, अब आपके सूट को यहां पर कोर्ट में सुनवाई नहीं करी जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एक्ट है लिमिटेशन एक्ट है, ये सिर्फ जुडिशियल रेमेडी को बार करता है, यानी आप जाके कोर्ट में सुनी कर सकते, ये सिर्फ बार हुआ। बट आप ये नहीं कहेंगे कि ए का राइट खत्म हो गया, कि ए बी से पैसा ले ही नहीं सकता। अरे भाई राइट तो भी है, ए बोरोअर है फॉर नो डाउट, ए लेंडर है, ए ने उधार दिया है, ये राइट कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर बी में अगर कल को इंसानियत जाग जाए 6 साल बाद, तो ए तो कोर्ट में जाकर बी से पैसे नहीं ले सकता क्योंकि लिमिटेड हो गया है ना, अब ये टाइम बार्ड हो गया, अब आप इसके बाद कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट तो नहीं दिलवाएगा आपको पैसे। लेकिन अगर बी की इंसानियत जाग जाए और बी पैसे देने चला जाता है तो ए लोन के पैसे रिकवर कर सकता है। ए का राइट नहीं फिनिश हुआ, ए के पास अभी भी राइट है कि वो बी से पैसे ले सकता है, लेकिन अब आपसी समझौते से बात नहीं बच सकती है, लेकिन कोर्ट में जाके नहीं ले सकती। राइट तो यही है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, हर एक चीज का एक लिमिटेशन पीरियड है, हर एक चीज को, हर एक सूट का, हर एक एप्लीकेशन का लॉ ऑफ लिमिटेशन ने प्रिस्क्राइब पीरियड मेंशन करा है कि इतने पीरियड के अंदर आपने इस केस को, इस एप्लीकेशन को कोर्ट में ले आना है। अगर नहीं ला पाए तो उसी दिन से वो केस जो है वो आपका नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी उस पर आप के कोर्ट में आकर रेमेडी नहीं ले सकते। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ लिमिटेशन
लॉ सेट्स अ टाइम लिमिट, लॉ ने क्या करा है टाइम लिमिट सेट कर दिए विद इन विच अ प्लेंटिव कैन सीक हिज रेमेडी, यानी रेमेडी या रिलीफ लेने कोर्ट के पास वो उसी टाइम के अंदर ही आ सकता है. दिस पीरियड इज एक्सपायर्ड, एज दिस पीरियड इज एक्सपायर्ड, जैसे ये टाइम लिमिट खत्म होगी कोई भी अपील, कोई भी सूट, कोई भी एप्लीकेशन मेंटेन्ड नहीं होगा. तो जनरल रूल तो यही है कि भाई आपको टाइम लिमिट के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन और सूट दायर कर देनी है. अब जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. सबसे पहला तो ये कहा गया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज. यार लॉ ने बता दिया ना आपको कि आपका अगर केस 31 दिसंबर को ड्यू हो गया था, उसके बाद भी आपको 3 साल का पीरियड दे दिया और फिर भी आप उठकर कभी भी आ रहे हो 5 साल बाद, 10 साल बाद कि भाई मुझको ना बी से पैसे लेने, तो आप ये कहो कि मुझे तो कानून ही नहीं पता, मुझे तो लॉ ऑफ लिमिटेशन ही नहीं पता, तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा ना, कहीं भी नहीं चलता. आप देखिए अगर आप यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर सिगरेट पीना अपराध नहीं है, आप ओपनली यहाँ पर सिगरेट पीते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, आप सिंगापुर की बात करेंगे, कई जगहों पर आपको मना है. अब वहां जाकर आप सिगरेट पीते हैं या फिर इस तरीके की कोई भी एक्ट करते हैं जो वहां पर इलीगल है, अब वहां पर आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो आप इसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि सर हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पर, तो हम अभी नए नए आए हैं. ये एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपको पनिशमेंट या पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी. तो अगर अपने देश में आप हैं और आप ये कहें कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि 3 साल के अंदर केस कर लेना था, मेरे को ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, तो कहता है कि कानून को जानना आपकी जिम्मेदारी है. जब आप जिस तरीके की चीज में जाते हैं उस तरीके के कानून को जानना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सबसे पहला रीजन यहाँ ये दिया गया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. दूसरा, अगर ये लिमिटेशन एक्ट ना बने तो फिर लिटिगेशन का कभी एंड ही नहीं होगा, है ना, कभी भी एंड नहीं होगा. एक अजब मन करेगा उठकर चला जाएगा कोर्ट के पास कि जी मेरे को बीजे पैसे दिलाओ. अब क्या हुआ, 2 साल इसका लोन पीरियड और 3 साल लिमिटेशन पीरियड, यानी 5 साल बाद इसका जो ये राइट है, रेमेडी जो है जुडिशियल रेमेडी है, राइट नहीं खत्म होगा, जो जुडिशियल रेमेडी है कि कोर्ट के पास जाकर बी से रिकवरी करवा सकता है, वो खत्म हो गया. तो कम से कम इस केस की यहीं पर फिनिशिंग हो गई, लिटिगेशन यहीं पर ऑटोमेटिकली एंड हो गया. तो लिटिगेशन का एंड नहीं होगा अगर हम इस तरीके से अलाउ करें कि कभी भी कोई भी पार्टी जो है प्लेंटिव जो है वो कभी भी कंप्लेनेंट जो है उठकर आए और कंप्लेंट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिन पर ये बेस्ड है. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन प्रूव करेगा कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए चला गया 8 साल बाद कोर्ट में, है ना, और कहता है बी से पैसे दिलवाओ. 8 साल बाद चला जाता है और कहता है कोर्ट को कि बी से मुझे पैसे दिलवाओ. अब ए थोड़ा ना कहेगा कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, ये तो बी को प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये लिमिटेशन पीरियड के बाद आ रहा है, ये डिफेंडेंट है, ये कह रहा है सर मैंने इसे लोन लिया था 1 जनवरी 2020 में और इसके पास जो है 31/12/2021 को मेरा पीरियड खत्म हुआ था ड्यू डेट, और 3 साल सर लिमिटेशन पीरियड के होते हैं तो लिमिटेशन पीरियड के बहुत बाद आ रहा है, राइट. तो ऑटोमेटिकली जो है डिफेंडेंट जो होता है उसको प्रूव करना होता है कि जो ये केस लेकर आया है, जो प्लेंटिव केस लेकर आया है, कंप्लेनेंट केस लेकर आया है, उसका टाइम बार हो चुका है, यानी लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसका लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है इसमें कि लिमिटेशन पीरियड के बाद आ रहा है केस, ये डिफेंडेंट पर होता है, यानी बचावकर्ता पर होता है, ठीक है. अब इस जो लिमिटेशन पीरियड का बार है इसको खत्म किया जा सकता है, सियो मोटो से कोर्ट अपने आप फिनिश कर सकता है अगर कोर्ट को जरूरी लगता है. कुछ केसेस में एक्सटेंशन भी दिया जाता है, ठीक है. तो किन केसेस में एक्सटेंशन दिया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले इस एक्ट का नेचर पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो इसका नेचर ये है कि ये सिर्फ आपकी जुडिशियल रेमेडी को लिमिट करता है, आपके राइट को लिमिट नहीं करता. बार बार इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशियल रिलीफ नहीं ले सकते, कोर्ट में आके रिलीफ नहीं ले सकते अगर आपका वो पीरियड खत्म हो गया, राइट. बट आपका जो राइट है वो ना सस्पेंड हुआ है ना पोस्टपोन हुआ, आपका राइट है अभी भी, यानी ए का राइट बना रहेगा जिंदगी भर की वो बी से पैसा ले सकता है, लेकिन जो जुडिशियल रेमेडी थी वो 2 साल लोन और 3 साल लिमिटेशन की, उसके बाद वो खत्म हो गया 5 साल बाद. तो इट ओनली लिमिट द जुडिशियल रेमेडी, इट doesn't postpone और suspend the right. आपका राइट नहीं खत्म हुआ कि आप ए से पैसा ले सकते हो, ये तो आपका राइट बनता है क्योंकि आपने ए को पैसे दिए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन ये लीगल तौर पे सिर्फ खत्म हुआ है, राइट. इट मरली प्रिस्क्राइब द पीरियड, तो ये एक्ट है इसका काम यही है कि पीरियड डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना. इसलिए इसको प्रोसीजरल लॉ भी बोलते हैं कि सिर्फ प्रोसीजर बताता है कि ये पीरियड खत्म हो गया, तो ये प्रोसीजरल लॉ है. और जो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, यानी अगर हमारी कंट्री में लोन का जो टाइम बार्ड है या लिमिटेशन है वो 3 साल है, तो किसी और कंट्री में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है. तो हर एक कंट्री टू कंट्री जो इसकी लिमिटेशन है वो डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन उस कंट्री के हिसाब से, राइट. अब इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है कि अनलिमिटेड लिटिगेशन को फिनिश करा जाए. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर 5 साल बाद 8 साल बाद सॉरी 10 साल बाद 12 साल बाद उठकर आ जाता है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपके पास ये वाले केस हैं यही खत्म नहीं हो रहे, तो नए केस कहां से आएंगे. तो लिटिगेशन का एंड होना बहुत जरूरी है. दूसरा, वेयर स्टेल क्लेम, स्टेल होता है बासी,
अगर ऐसा होगा कि 10 साल 20 साल पुराने केस कोर्ट में आएंगे तो फिर रिसेंट केसेस के लिए टाइम कहां से मिलेगा भाई? रिसेंट केस को कैसे जज सुनेगा? पुराने केस उठ कर आ रहे हैं 20 साल बाद 30 साल बाद, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी ना, परेशानी हो जाएगी। एक तो उनमें ये भी परेशानी है कि फैक्ट बहुत पुराने हैं, चीजें बहुत पुरानी है, एविडेंस बहुत पुराने हो जाएंगे, उनके साथ छेड़छाड़ हुई होगी, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे केस में रिसेंट केसेस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है, ये नए केसेस पर फोकस डालने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है, राइट। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर पुराने केसेस कोर्ट में आएंगे तो डॉक्यूमेंट काफी डिस्ट्रक्ट हो चुके होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भूल चुका होता है इंसान, राइट। फेडिंग ऑफ मेमोरी, चीजें भूल चुका होता है, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं 30 साल के पीरियड के बाद कोई केस लेकर आ रहा है। और पेरिशेबल नेचर है मैन और थिंग्स का, है ना। मान लीजिए जो उसमें एविडेंस थे या विटनेस थे वो अब नहीं रहे, ठीक है, जो चीजें थी वैसी नहीं रही है, बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, जिस जगह पे बी रहता था वो जगह उसने बदल दी है, बहुत सारी सिचुएशंस बदल जाती है। बी की ही डेथ हो गई, अब उसका जो है वो आगे एंसेस्टर चल रहे, जो उसके हेयर्स हैं वो चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए जो बासी केसेस हैं उनको ना लाया जाए, सेल केसेस को ना लाया जाए। इसीलिए लिमिटेशन एक्ट ने क्या तय करी हुई है, लिमिटेशन तय करी हुई है जिसके अंदर जो प्लेंटिफ है, जो कंप्लेनेंट है, उसको अपना केस जो है ले आना चाहिए। बट अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा था कि अगर मान लीजिए कोई रीजनेबल रीजन है आपके पास और अगर आप 3 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाए, या चाहते कि हर केस का अपना अलग अलग होगा, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 साल ले रखा है, ये नहीं कि हर केस का 3 साल पीरियड है, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं हम आपको। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन जो है वो लिमिटेशन पीरियड में नहीं आ पाया, कंप्लेंट नहीं कर पाया, ठीक है, और उसका रीजनेबल रीजन था, सही रीजन था उसका, सफिशियंट कॉज उसको बोलते हैं ना, सही कारण था, सफिशियंट इनफ कारण था, तो वो कोर्ट को अपना कारण बताए। अगर कोर्ट को लगता है कि उसका कारण बिल्कुल सही था, वो लिमिटेशन पीरियड भी क्यों नहीं आ पाया, तो कोर्ट उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है पीरियड की। तो इसे बोलते हैं किन बेसिस पे एक्सटेंशन प्रोवाइड होती है, एक्सटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट कॉज। अब ये सफिशिएंट कॉज कौन कौन से हैं? पहला है कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। मान लीजिए यहाँ पर ए के साथ कुछ ऐसा हो गया जो उसके कंट्रोल में नहीं था, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोरोना का पीरियड था, कोरोना के पीरियड में मान लीजिए पता चला कि बी ने पैसे मार लिए, अब कोर्ट नहीं चल रहे हैं, सब चीजें हैं, तो ऐसे केस में ये नहीं जा पाया और लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। कुछ भी रीजन ऐसा जो उसके बियॉन्ड में नहीं है, उसके बियॉन्ड द कंट्रोल है, अगर उसकी वजह से लिमिटेशन पीरियड चला गया, तो अगर कोर्ट सुनवाई करता है एक ही इस बात की कि हाँ तुम्हारा कॉज वाकई में सफिशियंट लग रहा है, तुम्हारी कंट्रोल से बाहर था, तो ठीक है, फिर वो इसकी एप्लीकेशन को, इसके सूट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है जब इंटेंशन बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब आपकी इंटेंशन अच्छी है, मालाफाइड होती है बैड इंटेंशन, बुरी इंटेंशन है, लेकिन बोनाफाइड है कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, आप बिल्कुल सही हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो आपका लीगल एडवाइजर था, उसने आप उसकी मिस्टेक थी, उसकी मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है, या फिर जो लीगल एडवाइजर था उसका जो क्लर्क था उसकी एरर की वजह से गड़बड़ हो गई, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट आपकी बात सुन लेता है, ठीक है, और आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देता है। या फिर कोई बहुत ही जो है बड़ी बीमारी हो गई, काफी लंबे समय तक आप कुछ भी काम करने लायक नहीं रहे उस बीमारी की वजह से, सच दैट डिसेबल्ड हिम टू अटेंड एनी ड्यूटी, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, ना हिल पा रहा है, ना चल पा रहा है, तो ऐसे केस में भी जो कोर्ट है वो आपको सफिशियंट कॉज के बेसिस पे एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगी। अगर मान लीजिए जो पार्टी है वो इम्प्रिजनमेंट में थी किसी वजह से, तो वो इम्प्रिजनमेंट से बाहर आएगी तभी तो केस करेगी ना, तो ऐसे केस में भी एक्सटेंशन जो है प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर फैक्ट्स की कोई गलती हो गई जिस वजह से आपका जो है अननेसेसरी डिले हो गया, तब भी आपको कोर्ट जो है वो डिपेंड करेगा। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिस वजह से कोर्ट एक्सटेंशन दे सकता है, देगा या नहीं देगा वो कोर्ट पर डिपेंड करता है, ऑनरेबल जजेस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात सुनकर कितने हद तक एग्री करते हैं, राइट। ऐसे कोई पर्सन बहुत पुअर था उस टाइम, वो केस नहीं कर पाया, पॉवर्टी उसकी इस तरीके की थी, ठीक है ना, या वकालतनामा जो डला था वही डिफेक्टिव डला था आपका, ठीक है, या फिर माइनर था उस टाइम ए पर्सन, या जो भी पर्सन है, जो भी प्लेंटिफ है, जो कंप्लेनेंट है, वो माइनर था या इनसेन था, या फिर उसके साथ फ्रॉड हुआ जिस वजह से वो सही समय पर कंप्लेन नहीं कर पाया, या जो लीगल एडवाइस उसको दी गई वो गलत दी गई, उसको कोई पीरियड ऐसा नहीं पता है कि इस पीरियड के अंदर आप कंप्लेन कर सकती हो, या फिर लास्ट फैक्ट ये भी है कि कोर्ट के पार्ट पर भी कई बार अननेसेसरी डिले हो सकती, तो वो अपना जो भी कॉज, उसको जो कारण लगता है वो कोर्ट को अपना सुनाएगा। अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा कि आप अपना जो केस है वो आगे लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, राइट। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लीगल डिसेबिलिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी को समझाया गया है। तो लीगल डिसेबिलिटी क्या है, जिसमें कोर्ट लॉ जो है वो खुद कहता है कि आप डिसेबल हैं अभी कोर्ट पे आने के लिए। तो सेक्शन 6 में वो पॉइंट्स गिवन है जब वो पर्सन डिसेबल ही होती हैं, जब वो डिसेबिलिटी खत्म होती है तभी लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है। यानी जनरल केस में तो क्या होता है कि जैसे ए ने बी से, बी को लोन दिया था, तो अगर ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, तो 3 साल पीरियड है मैक्सिमम, है ना, और इस पीरियड के अंदर ए को स्यू करना है बी को।
लेकिन अगर लीगल डिसेबिलिटी है तो कोर्ट ने ये पीरियड नहीं दे रखा, तब कोर्ट ने वो लीगल डिसेबिलिटी जब खत्म होगी तब आप जाके स्यू कर लेना, तब ए स्यू कर सकता है। अब अगर मान लीजिए ए जो है वो माइनर है, इनसेन है या इडियट है, ठीक है ना, ही में इंस्टीट्यूट सूट आफ्टर डिसेबिलिटी सीज, जब ये तीनों में से कोई भी चीज उसको है, जब ये चीज फिनिश होगी तभी ये बी पर सूट कर सकता है। इस केस में इसको लीगल डिसेबिलिटी का जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटेशन का पीरियड फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये चीज सीज होगी तभी। तो अगर वो माइनर है तो माइनॉरिटी खत्म होगी, इंसैनिटी खत्म होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब ये पॉइंट खत्म होंगे तभी जो है वो ए जो है लिमिटेशन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद ही जो ए वो है स्यू कर सकता है। दूसरे पॉइंट में मैं ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है वो इनमें से एक नहीं बल्कि दो चीजों से गुजर रहा है, माइनर भी है और इनसेन भी है, तो उसकी जब ये दोनों चीजें सफर जो कर रहा है, अगर वो दोनों चीजें फिनिश होंगी, जब वो दोनों चीजें सीज होंगी, खत्म हो जाएगा, जब वो मेजर हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, तभी वो सूट फाइल कर सकता है। तब तक वो लीगली डिसेबल है सूट फाइल करने के लिए, राइट। अगर मान लीजिए कि जो भी पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, जिसने भी सूट दायर करना था उसकी डेथ हो जाती है, अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सूट कर सकता है बी पर, ठीक है ना। अब ये डिसेबल हो गया, डेथ हो गई तो डिसेबल हो गया, ऑब्वियसली ये तो नहीं केस कर सकता है ना भाई, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एबल हो गया तो वो सूट दायर करेगा, थोड़ा पीरियड मिलेगा उसको कि भाई डेथ हो गई तो इस वजह से अभी हम बी को नहीं सू कर पाए, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा सी हो गया डी हो गया वो सूट दायर करेगा। अब मान लीजिए जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो माइनर है, बच्चा है या फिर वो इनसेन है, तो ऐसे केस में जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, जब तक उसकी सैनिटी वापस नहीं आ जाती, ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसको पीरियड पूरा मिला हुआ है, जब मेजर हो गया तब वो बी को सू करेगा, ठीक है कि नहीं। अब मान लीजिए कि इसकी डेथ हो जाती है तो जो इसका हेयर होगा, जो आगे होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल उस तरीके से। तो लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6 में बताई गई है, जो बहुत क्लियर है कि अगर कोई माइनर इंसान है तो जब तक माइनॉरिटी खत्म नहीं होती, मेजर नहीं हो जाता, तब तक वो सू नहीं करेगा, तब तक लिमिटेशन पीरियड उसके पास है। इनसैनिटी में भी ऐसा है, इडियट में भी ऐसा ही है, अगर किसी को एक से ज्यादा इनमें से सफरिंग है, डिसेबिलिटीज हैं, तो जब वो डिसेबिलिटी फिनिश हो जाएंगी तभी वो सूट दायर करेगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन लॉ ऑफ लिमिटेशन पर और लीगल डिसेबिलिटी पर। देखिए हमारे वीडियोज का एक ही फोकस है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, और अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि कम टाइम में आपको कंसेप्ट ज्यादा मिला तो हमारे वीडियोज को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।